आज वत उतली उतली छत आया खना तना सुबह सुबह मजा बवां दे चाह पीवण दा ते नाल इनु नजारा देखण दा। पहले पिछला त्रै चार दिन ना शदीद धुंध रह गई है, आज अल्लाह दा शुक्र धुंध इतनी कोनी। आज पूरा वीआईपी नजारा इथों देख सकदे हां, पूरे गांव दा हर तरफ। हाँ, तकरीबन 9:30 दा टाइम है, 9:30 बजे बड़ा ही मज़े मज़े दा मौसम है, मतलब ना इतनी ठंड है, हल्का हल्का सूरज निकला खड़े, धुंध भी बिल्कुल कोनी, नाल चाय भी पीना खड़ा। ते अज दे ब्लॉग तू स्टार्ट करें पे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सब तो पहले मैं तुहानू एक खबर देवां जा, वो खबर ये है कि कल जड़ी रात गुजरी है, वह रात ना उनकी पिछली रात जड़ा ना इत्थां चोर हैं, पता नहीं डकैत हैं, जो भी हैं, वो सामने जो घर दिसदे पे ना वो सामने ही है, इन्हां दीआं कोई भेड़ां बकरियां चाहते पे हैं, रात 1:30 बजे वाला इन्हें शोर शोर पाते हैं, चोर शोर नारे शारे लाए ने, वो चाचा कासिम मोहन वधे हूँ, बहरहाल वो वाला हैं भी कार दे, वो वाला कार च कहते जल्दी जल्दी भज गए। तो ये बड़ा यानी कि एक तशवीशनाक मामला है, जरा मैं पता लगे कल कि चोर मतलब इस हद तक हूँ देखो कि कारा के उत्ते भेड़ा बकरियां चावन वास्ते कारा घिन के बदन थे। वैसे भी तो देहात हर बंदे के घर बकरियां शकरियां ते ये जानवर उत शुदा रखी पे होने, तो उन्होंने इवें समझो काफ़ी डिपेंडेंट होने इन चीज़ों से, दूध शूद वाला सोर्स ऑफ इनकम भी तुम एक आ गिनो, ये चीज़ सोर्स ऑफ इनकम भी होंगी है इतों के लोगों वास्ते। खैर अल्लाह ताला सारे की हिफाजत करे, मैं तो रात भी मैं 11-12 बजे में थोड़ा जहाँ दरवाज़ा शरवाज़ा हल्ले हुल्ले पता नहीं, शायद बिला शिला टप्पे मैं उठी के दिठे मैं कि पता नहीं हालात इनको ना ही हो जाए। बहरहाल अल्लाह ताला सारे की हिफाजत करे, ते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। काम 2-3 हैं जो आज के दिन में करने हैं, एक तो वो सामने जो इसके पीछे जो मकई खड़ी है ये वाली, ये छोटी छोटी नज़र आ रही है ये इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे, एक तो इसका सैलेज बनवाना है क्योंकि अब टाइम हो गया इसका, ये फुल तैयार हुई खड़ी है। इसके सैलेज के लिए 2 ट्रैक्टर आएंगे, उनके साथ एक मशीन होती है एक ट्राली होती है, मशीन वो सैलेज बना के फिर वो ट्राली के अंदर सैलेज डालती रहती है सारा, एक तो ये काम करना है। नंबर दो आज ये करना है कि आज जाना है लिया बेबी के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, बेबी के पैम्पर ख़त्म हुए पड़े हैं, बेबी के लिए झूला लेना है और भी ऐसे एक दो आइटम जो है ना वो ख़रीद करना है। बेबी के लिए झूला आप तो बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि आप बेबी बहुत तंग करते हैं, उसको जब तक लुडाएं ना वो तब तक वो सोते ही नहीं है, तो उसके लिए बस उसका हल यही हमने सोचा है कि उसके लिए झूला लेते हैं, बस झूले में वो ऐसे झूलता रहेगा फिर इंशाल्लाह सो जाएगा, पूरी रात नहीं सोने देता। अभी मैं चलता हूँ नीचे, गाड़ी शाड़ी को साफ़ करता हूँ, बस उसके बाद इंशाल्लाह 10 होने वाले हैं, 10:30-11 बजे तक इंशाल्लाह लिया निकलेंगे। माल को खड़ा देखो बकरियों को बिल्कुल एक ही जगह देखनी है, सामने आने बकरियां महकन दे दी, वो देखो भैया क्या करना खड़े छत पे। अच्छा गेरे हूँ 1:15 थी पेन व्यूअर, 1:15 गेरे 9 बजे धूप निकलती पी हूँ यकदम कुड़ ते मौसम यकदम सर्द थी पे अचानक धूंध ढाण लग गई, अचानक पहले सूरज निकला खड़ा ही 1 घंटे बाद मौसम सर्द थी पे गए, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं तेरे कोट शोट लाया कि बाहरों आ गया मैं कि भाई सर्दी तो बसती पी है, असं सोच खड़े अस 10:30-11 बजे तक लिया निकलते हैं, मौसम जरी एक सही थी आते तो मौसम बिगड़ा पे समझ तू बह रहे अच हर चीज़ मौसम भी तो हर चीज़। अरे तू तो बैठे भाई वो बैठे व्यूअर्स तुसा ये देखो कितनी ठंड है बाहरों ही ठाई, लेकिन उन्हें बाहर दसा एसी चलाई खड़े हैं, लेकिन तलों पानी नहीं ठाना पे पता नहीं क्या चक्कर है, असल जे एसी नहीं असल जे हीटर है क्योंकि वसावे वाला जरा पावे ना यानी जहरा लावा ये तो पता है डायलॉग बड़ा हीट थी यहाँ पे, वसावे वाला पावा जहरान लावा हाल जहरान लावा हुई तो पता है हीटर ये जरा एसी है ना हीटर ते एसी दोहे काम करे नहीं टाइम हीटर चला करे 28 डिग्री ते कमरा काफी गर्म है। चल कितनी देर है जुलू
नाजरीन हमेशा ये लेट कर लें। मैं हूँ तैयार थी आखना, ये हूँ घंटा पहले तैयारी करे सी अपनी वाला जरान को तैयार करे सी। हूँ टाइम थी गए, पता नहीं क्या टाइम है, मतलब 11 थी थी वाला ले उसन, मैं ले गया हूँ 10:51 थी गए, 10:51 तो 11:30 तक वादी तैयार हो सू। हूँ दे दें कितने बजे तक तैयार थी गाड़ी को, मैं जो थोड़ा जहाँ साफ करा चा स्टार्ट भी करने वा क्योंकि थोड़ा जहाँ गर्म थी ऐसी ना पूरी माना तू स्टार्ट को नहीं की थी। इतना पता नहीं क्या लगा पे एक आज हटा ही दे मैं तू हल्के हल्के उत्ते ना रेत पई है, पता नहीं कितों आई है रेत। जिस टाइम गर्म थी ना ये वाली जी सूई है ये डिसेंटर की तरफ आवे सी, मतलब फिलहाल सी ते खड़ी मतलब कूल है गंदी हीट वाली तरफ आवे सी सेंटर च। ये बिल्कुल आती है 12.8 फ्यूल एवरेज है, तले जड़ी रीडिंग खड़ी है, ये टोटल गंदी इतनी चल चुकी है 47,474 किलोमीटर, ये 110 किलोमीटर दी रेंज बची खड़ी है। बाकी क्या करने तुसा इन फंक्शन अगे जान के शीशा थोड़ा जहा खराब थी आखड़े वाला साफ करूँ जो बाहर वाला शीशा। चलो जी 11:21 थी गए वादे के मुताबिक बेगम 11:30 तक आ गई यार, शोर ही पैदा पे बेबी धोती एक शेफ तलवा नहीं पहुंची, तलवा नहीं पहुंची ना ताई जल्दी लो बाहर कर दे। हां लो और द पावा अख्तर लावा दरान क्यों तंग किया हुआ है बेटे, 60-70 की स्पीड है जैसा मुसलसल मैंने पे हैं, इतनी ही स्पीड से गाड़ी फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं है। वो ले अच्छी है एवरेज नहीं है, दरख्त बड़े वी आई पी दिस देखने ना तो ये बच्चियां देख पता केड़ी चीज जी ने कोयले बड़े ने पठान जेड़े कोयले ना जिंदे सर्दियां जैसा अच्छा गन्ने का सीजन शुरू थी चुका यार, ये देखो फुलम फूल हर पास गन्ने ही गन्ने। जरान क्यों रोते हो बेटा, लिया जा रहे हो सैर करने जा रहे हो, देखो वो देखो सामने डॉगी जरान को दिखाओ शोर पाती रह गया कर बस यकी दिमाग टीटा। वैसे ना गन्ने के सीजन में बंदा बड़ा तंग थी ने रात को खास करके एक धुंध होती है फुलम फुल अच्छा। तो रोड दे उते हर पास गन्ने दी ट्रालियां 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 ओए चाचा रात कर बंद आज बंद तो रहा तो बच दे बंदे पास दे दे पौंदे बंदे उन्हें कार आंदी पई लेकिन वाती रोड आराम ना टहल टहल पे गुजरते इतना सड़क बन दी पई है नाजरीन। वाह यार कितना क्लोज हूं क्रॉस किया है, अरे के लोग दवाई ने पहन मैं ना आज एचडी वो सड़क बन गई ही ना बन गई रोड बड़े वीआईपी बने पहन लिए थे आज कल ना ये मैं बनने ना अपने गांव वाली साइड हां बन वैसे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। सब तो पहले जी अफोर्ड थे अफोर्ड। चलो जी उतर जाइए। अंदर घर शोर एक भुख शुक लग गई दुकान जवान की शोर शराबा पा दिता। खैर असं शॉपिंग भी को नहीं कर सकेंगे क्योंकि बेबी दीजा इतना बहुत घट ही होने फोड़ दे, बाकी घर का कोई समान समून अस गिन गए चावल खंड चीनी ये वो अगर पिछले कर कुर के हूँ अस जुलते हैं सीधा बेबी शॉप से, बेबी शॉप तू इन चीजा गिनसू मतलब इन झूला गिनसू भी ये कि चीज़ गिननी है असं पिलता असं सिर्फ दो दिखता इतों सूट गिनने ठीक है
चलो इन बेबी शॉप तो ही इन शॉपिंग करनी है क्योंकि क्योंकि बेबी है लिहाजा इन शॉपिंग बेबी शॉपिंग तो करनी पड़ी। चलो जी सामने बेबी शॉप है, बेबी शॉप से आ गए हैं, उन्हें बाद इन झूला शूला गिनते हैं, जेड़ा भी इन समान सुबह दस रट लई वे गिनते हैं इतना लाजमी नाजरीन आज सके खावन का भी सोची खड़े हैं। बेगम किस्मत नाल आंदी है लई है शहर तो लिहाजा कोई ना कोई आइटम खा के वैसी है। रोटी खा से बर्गर पिज्जा रोटी होटल तू हो अज रॉयल नवाब तो एक रोटी खाने का बयान क्या याद करे सी ये भी तो क्या याद करे सा मैं भी ले दूध पी के पुत्र होए मैं अपना फोन चाहिए बेबी शॉपिंग तेरी इंतजार करने खड़ी है क्यों मैं बेबी शॉपिंग तू शॉपिंग शॉपिंग कर कर के आ गया इथा हूं बस खाना खाने बेबी शॉपिंग तो मैं वीडियो कोनी बने क्योंकि तो पता है मैं लेडीज ना रही अनकंफर्टेबल फील करे ना वीडियो बनावण ना बाकी ये बच्चा पार्टी है देख आशिर ये क्या ना है उस बात ये इन पीछे नूर ये सारे भांजे बने जे भतरीजे कैफ ये पहुंच गए मेरे पास सारे। आशिर ये मुंह पे क्या लगाया हुआ है सारा हैं ये क्या है गजरेला खाया हुआ है हैं गाजरों वाला हलवा खाया हुआ है ना सारा मुंह पे लगाया हुआ है ही खेलते तू ही में खेलता मैं बचपन ही तक याद है भाई तू निकलते हैं खाना खा तू सा बाबा आपने खाना है हैं नहीं खाना हम तो खाएंगे बाबा हम तो खाएंगे जाओ बुला के लाओ बोलो हसन हसन बुला रहे चलो जाओ नवी मोटरसाइकिल देखी कैफ दी है 900 से 10 किलोमीटर सिर्फ चली खड़ी है इन्हें नंबर है नहीं मतलब कोई भी नंबर एक लाग सकता ओ किधर सकती भी चाबी चलो जी गजरेला मैं अपने वास्ते मंगवा के इधर ही ओए ये तो गरम इन्हें विच की जेवे खोया वाओ चलो जी हूँ सीधा रॉयल नवाब तो ब्रेक लेसो खाना खासो उतो आज दोपहर का वो याद आया पहले फ्यूल पवा गई इतो कुदरती मैं को पेट्रोल पंप नजर आ गए तो फ्यूल पहले भवाऊ चाचू 3000 का फ्यूल पहुंचा मीटर से यहाँ एक गाल ये मीटर की वीडियो बननी पी भैया कितने पैसे कितने अंकल के सामने गांज देखो मेरे ही में थी बजने के ना ना प्लीज ये जो जी नहीं थी ना मैंने मेरा नहीं ना चलो जी देख मेन्यू पसंद कर जेड़ी जेड़ी चीज करनी है गेम ऑर्डर ले ले भाई एक तो ये चिकन हांडी जो यहाँ पे लिखा हुआ ये बोनलेस है ना ये ठीक है हाफ चिकन हांडी कर दें फ्राइज कर दें फुल चिकन फ्राइज पहले कर देंगे चिकन फ्राइज हांडी से फ्राइज ना ना फ्राइज फ्राइज पहले कर लें बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोक वगैरह ये आप हांडी के साथ ले लेंगे बस सादा रोटी करनी है सादा नान वगैरह नहीं करने सोने आए थे या शॉपिंग करने आए थे हैं सोने आए थे या शॉपिंग करने आए थे हैं व्यूअर्स असा जो है ना इतना होटल से आए बैठे हैं तो बिल्कुल रश को नहीं बिल्कुल खाली है शुक्र फैमिलीज को नहीं बैठे एडो एडू ना तो वत वीडियो बनावन मसला हो गया तो ये जो पिणचू है ना ये पिणचू ये आज जलील की बंदे मतलब रोंदा हर जा हूँ चूसनी गिद्दी से एक दूँ तो लादा चुप कर में तो नहीं तो शोर 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 करती है ना शॉपिंग करने आए थे या शोर डालने आए थे हैं बताओ हो गए रे वहीं उतनी चास आँदी है मतलब एक मैं फिर कही रहा ना ये खुश रहा जरिए कि मैं गो के घाट रहे वहाँ नीच मारो शाबाश अच्छू शाबाश सारी चिकन हांडी आ गई है फ्राइज भी आ गए रोटी भी आ गई है बेहोश में नहीं ऐसा ही चीज़ों को देख के है ना चिकन बोनलेस हांडी है वाह मजा दी रिश्ती पई है फिलहाल इतनी बहु है एक ग्रां जड़ा ना तो टेस्ट कराऊं चा खड़ी अच्छी है फ्राई इतनी मदद होनी खैर हूँ जल्दी लिखा के बाद इंशाल्लाह बिल्लियां चेक करो नाजरीन जो ये बिल्लियां ओए
ਨੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪਾਤੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰੋਇਲ ਨਵਾਬ ਤੇ ਨਾ ਜਨਾ ਸਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੈਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਇੱਦੂ ਕਰੇ ਸੋ ਵੈਸੇ ਰੋਇਲ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਤਨਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿਰਚਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਸੋਂ ਗਾਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬੇਬੀ ਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਝੋਲਾ ਛੋਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਝੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੁਣ ਵੀਵਰਸ ਇਹ ਗੰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਰੋਡ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਧਣ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀਵਰਸ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਝੂਲਾ ਹੈ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਮੇਲ ਸੀ ਪਿਆ ਬੇਟੇ ਆਪਕੋ ਝੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਅਬ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਇਸ ਦਾ ਗਿਨ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਾਰਾਨ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ ਹੈ ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਸਾਂ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲ ਥੇ ਵਧੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਲ ਪੜਨ ਪਾਲਣ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਕੂਨ ਕਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰੈਕੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਲ ਜਾਵਣ ਔਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾਵਣ ਔਖੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਬੋਲ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਟਾਈਪ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੁਖਣਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਥੱਕੇ ਪਏ ਵੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਬਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਸੀ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰੇ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰੇ ਸੁ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਡੋਹੀਆਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਇੰਨਾ ਵਜਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਡੋਹੀਆਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਭਰਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਵੀਵਰਸ ਅੱਜ ਕੇ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 8:30 ਕਾ ਅਬ ਸੋਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਤਾ ਸਿਰਫ ਬੇਗਮ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਬਬਨੂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਾਤੇਂ ਕਲ ਹੈ ਬਤਾਓ ਕਹਾਂ ਗਏ ਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਾਂ ਗਏ ਥੇ ਹੈਂ ਬਤਾਓ ਕਹਾਂ ਗਏ ਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਾਂ ਗਏ ਥੇ ਬਬਨੂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਾਂ ਗਏ ਥੇ ਹੈਂ ਕੱਲ ਹੈਂ ਬਤਾਓ ਯਾ ਸਿਰਫ ਹੰਸਣਾ ਹੈ ਹੈਂ ਬਤਾਓ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਏ ਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਝੂਲਾ ਲੈ ਆਏ ਥੇ ਝੂਲਾ ਲਿਆ ਥਾ ਹੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ